देखो बेटा समझ लीजिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, ये इस साल का जो सिलेबस है, जो अभी बेटा रिवाइज सिलेबस बनाया गया है, उसमें ये पार्ट हटा दिया गया है, हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ एटम्स। बट आपको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है 11th में ना आए, लेकिन अगर आप कंपटीशन यानी जेईई या नीट जो भी देने वाले हैं 2022 में देंगे आप, तो 22 तक हो सकता है सिचुएशन सही हो जाए और फिर पार्ट पे क्वेश्चन फिर से शुरू हो जाए आना। तो आप थोड़ा सा सीख के रखिए। जैसे चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमने पहले बताया, इस पे इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में सीखेंगे, एटम से रिलेटेड उसका इंटरनल नेचर, उसमें सेल, सबसेल, सब ऑर्बिट किस तरह से, कहां पे इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे प्रोटॉन्स, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखते हैं। अब इस यहां पे बेटा जो हमारे एटम्स हैं, अगर एटम्स के अंदर जैसे हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में जब लोगों को बेटा किसी को आइडिया नहीं था कि कोई भी दुनिया में जो भी चीजें दिखाई दे रही वो किसकी बनी है, तो उसकी जो स्टार्टिंग हुई वो यहीं से शुरू हुई, या इसके पहले एक दो साइंटिस्ट और आए हैं जिनको हम फिलोसोफर कहते हैं बेटा, जिनका कोई प्रॉपर ओपिनियन नहीं था, लेकिन शुरुआत का जो हमें सिखाया जाता बताया जाता है, अगर यहाँ से देखें तो पहला था थॉमसन मॉडल, जे.जे. थॉमसन, द नेम ऑफ फिलोसोफर या साइंटिस्ट जो भी कहें, इन्होंने बेटा बताया कि जो भी हमारा एटम्स होता है वो ऐसा स्फेरिकल पार्ट में है, स्फीयर जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इसके अंदर जो निगेटिवली चार्ज वाला पार्ट है वो इसके अंदर बेटा इम्बीडेड रहता है, इसलिए इन्हें प्लम पुडिंग, लाइक ए प्लम पुडिंग शीट या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इनका मॉडल बेटा बहुत दिन तक चला नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले इन्होंने कहा कि पॉजिटिव यानी स्फीयर बेटा उन्होंने प्लस के फॉर्म में कह दिया, तो ये बेटा वहीं से गलत होता है। उसके बाद जो सेकेंड मॉडल आया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, देखिए रदरफोर्ड का दो मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो पहले एटॉमिक देन आफ्टर न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे। इन्होंने जो किया था बेटा, इन्होंने कहा था कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन एल्यूमिनियम फॉयल और गोल्ड फॉयल, ये सारी चीजें आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। तो इन्होंने किया क्या बेटा, अगर आप समझें, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्रामेटिकली हल्का से समझा देता हूं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है, ये मैं मान के चलता हूं। इन्होंने क्या किया बेटा, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल कहां से निकलेगा, इन्होंने एक बेटा रेडियम का ब्लॉक लिया, ठीक है, इन्होंने एक रेडियम का ब्लॉक लिया, इसके अंदर बेटा हीलियम रखा, दिस इज द हीलियम, और यही आपका अल्फा पार्टिकल्स जनरेट करेगा, बराबर है, यही बेटा क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स जनरेट करेगा। इसके बाद इन्होंने इसको हीट किया, जो इनका ऑपरेशन का एक्सपेरिमेंट था, और यहां पे बेटा इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा, जैसे कि हमने कहा ना, चाहे आप एल्यूमिनियम रखें या गोल्ड की फॉयल ले लिया, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। इसके बाद यहां पे इन्होंने बेटा एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दिया, फ्लोरिसेंट स्क्रीन का मतलब होता है जो साइन प्रोड्यूस करे, हाँ, यहां पे उन्होंने बेटा एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाया, आप समझ लीजिए टाइम में, दिस इज द फ्लोरिसेंट स्क्रीन, और ये ZnS यानी जिंक सल्फाइड की बनी थी, मतलब स्क्रीन यहां पे बेटा जिंक सल्फाइड मतलब ये इसके अंदर एक ऐसा ZnS का मतलब जिंक सल्फाइड का फॉर्मिंग किया, बराबर है बेटा, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कवरिंग की। इसके बाद जब इन्होंने इसे हीट किया, ठीक है, ये समझ रहे हैं क्या है, रेडियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम, जैसे इन्होंने बेटा हीट किया तो यहां से कुछ रेज निकली, बात समझ रहे,
रेंज निकली। और ये उन्होंने जो बेटा एक्सपेरिमेंट देखा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या देखा कि इन्होंने देखा कि यहां पे मतलब यहां यहां पे बेटा साइनिंग प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे चमक रहा है, यहां पे बेटा साइन प्रोड्यूस हो रहा है, जो सेंटर है वो कैसा है, डार्क कर मिल रहा है। मतलब क्या था, इनके जो पार्टिकल्स आए बेटा, पार्टिकल्स आपके इसी तरह से स्कैटर है। स्कैटरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। मतलब ये जो पार्टिकल इस तरह से आए, अगर इस पे ढेर सारे पार्टिकल्स, ये क्या हो रहा है बेटा, स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बेटा सेंटर पे न जाके, ठीक है, यहां से बेटा क्या करते थे, वापस आते थे। समझ रहे, जब ये पार्टिकल आपके रिटर्न यानी वापस आएंगे, ये पार्टिकल बेटा वापस आते थे तो यहां पे आपको डार्क स्पेस दिखाई देता था। समझ में आ रहा है। इनका देखिए, कोई भी अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट में तीन सेक्शन आता है। पहला होता है एक्सपेरिमेंट करने वाले इक्विपमेंट, दूसरा होता है हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर प्रोसेस, और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इस तीन चीजों पे हम फोकस करते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था बेटा, एक रेडिएटिव एलिमेंट रखते थे जिसे हीट करते थे, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम पार्टिकल निकलता था, गोल्ड या एल्युमिनियम फॉइल लिए थे और जेनेथ की बनी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया था। इन्होंने देखा क्या, जैसे बेटा इसको हीट करते थे, इन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो यहां यहां पे चमक साइनिंग प्रोड्यूस करते थे और सेंटर में इन्होंने डार्क कंडीशन लाता था। इसके बाद बेटा इनका जो ऑब्जर्वेशन था, समझ रहे, इनका बेटा जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन ये था, ठीक है, इनका बेटा ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने ऐसा कहा कि जैसे ये मान लो एटम है, ठीक है, इस एटम से बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कहा बेटा, बाहर चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे थे वापस आते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो रिबाउंड हो जाते थे, बात है, यहां से बेटा बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे चले गए, बात समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे थे जो वापस आ गए, ठीक है। इस बेसिस पे इन्होंने क्या, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने क्या कहा, कहा कि एटम इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस, मतलब कोई भी अगर एटम है उसके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या है, सीधे निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा इन्होंने, ये मैं लिखवा नहीं रहा, ये शायद आपको पता है, इनको क्या बताया बेटा, एटम इज द लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। दूसरा इन्होंने कहा कि इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर, क्यों बेटा, क्योंकि कहा कि यहां पे जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे। इन्होंने कहा कि सेंटर में अगर कोई प्लस चार्ज है तो ही बेटा ये जो प्लस चार्ज अगर यहां पे है तो इस प्लस चार्ज की वजह से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो क्या हो रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जैसे ही बेटा इसके नजदीक कोई बेटा पहुंचता था तो ये प्लस प्लस की वजह से रिपल करता था, वो अपने पाथ को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते थे, बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इनसाइड द सेंटर देयर इज ए डेंस स्पेस, देयर इज ए डेंस स्पेस एंड दैट नो एनी अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस दैट डेंस स्पेस। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स बेटा, देखिए तीन चीजें इनको दिखी, पहला तो बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे निकल गए, दूसरा कुछ पार्टिकल्स क्या थे वापस आ गए, एक तो बेटा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे बेटा जैसे जाते थे उसी तरह से वापस रिबाउंड हो गए। तो इस रिबाउंड के बेसिस पे इन्होंने क्या समझाया कि यहां पे एक सेंटर है जो हाईली डेंस है जिसके अंदर ये अल्फा पार्टिकल, जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वापस आ जाता है। ये इनका तीन ऑब्जर्वेशन था, एटम इज द लार्ज एम्प्टी स्पेस, दूसरा इनसाइड द सेंटर देयर इज द पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई द अल्फा
ऑर्बिटल्स आर डिफ्लेक्टेड देयर पोजीशन। थर्ड उन्होंने बताया कि इनसाइड द न्यूक्लियस सॉरी इनसाइड द एटम देयर इज ए स्मॉल हाई डेंसिटी स्पेस दैट नो एनी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दैट डेंस स्पेस एंड दैट्स व्हाई दे आर रिबाउंड यानी दे रिवर्स टू बैक साइड। ठीक है, ये इनका तीन ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बेटा रिजल्ट दिया। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है क्या? तुम लोग समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, इसके बेसिस पे इन्होंने बेटा रिजल्ट आप इनके लिख लीजिए। लिखिए बेटा इनके रिजल्ट लिख लीजिए। आप रिजल्ट लिखिए मैक्सिमम रिजल्ट लिखिए रिजल्ट इनके जो बेटा रिजल्ट थे वो लिखिए। मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। लिख पा रहे हैं आप लोग स्पीसीज एसपी समझ रहे बेटा एसपीईसीआईईएस स्पीसीज SPECIES that means बेटा लिखते जाइए। that means थोड़ा थ्योरी का पार्ट है। that means positive charge is equal to negative charge। बात मेरी बेटा समझ में आ रही है आपको? next point लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा पहला पॉइंट ये जो अभी लिखाया ये बात थॉमसन ने भी यही कहा था लेकिन थॉमसन ने ये बताया था कि न्यूट्रल होता है पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कहा तुमको ज्यादातर एरिया खाली होता है ठीक है और न्यूट्रल रहते हैं यानी प्लस बराबर माइनस बराबर बेटा। सेकेंड पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Complete mass and complete positive charge of an atom लिखा बेटा of an atom is present at the center of atom present at the center of atom likha beta which is known as nucleus. थर्ड पॉइंट लिखिए लिखा बेटा विच इज नोन एज न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग द सर्कुलर पाथ कॉन्टिन्यूअसली। देखो बेटा जितना इसमें जरूरत है ना जो आपको काम की है रदरफोर्ड ने ही बेटा ये सब चीजें समझ में आ रहा है। देखो बेटा ये जो है ना ये दसवीं का ही है बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आप अपने
चाहे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई कोई भी बुक आपके पास है आप उसको वहां से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल बराबर समझेगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सब आपको वहां पे लिखा हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नहीं समझता है तो आप हमसे थोड़ा पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो जैसे कि सेकेंड पॉइंट जो बेटा रदरफोर्ड का था उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, इसलिए इसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने बेटा न्यूक्लियस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया था। तो न्यूक्लियस के बारे में बताने वाले कौन थे? रदरफोर्ड ही थे, बराबर है। हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट ये लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली ने सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पाथ कॉन्टिन्यूसली, बराबर है। तो अब क्या है कि जब इतनी बात करने के बाद इनका जो बेटा मॉडल था वो बेटा कहीं ना कहीं गलत होने लगा क्योंकि इन्होंने इन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, मतलब कहीं ना कहीं बाद में बेटा इन्होंने बताया कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें बाद में बेटा ऑब्जर्वेशन इनका आया। लेकिन यहां तक होने के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिसे हम कहते हैं बेटा नील बोर, जिसे मुझे बोर मॉडल, तो बोर ने बेटा नील बोर ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। ऑब्जेक्शन ये उठाया जो इनका तीसरा पॉइंट बताया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूस इन ए सर्कुलर पाथ कॉन्टिन्यूसली। तो नील बोर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, समझ में आ रहा बेटा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है, ठीक है, तो ये घूमते 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 एक समय ऐसा होना चाहिए कि इनकी जो एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ लीजिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए लॉस होना चाहिए, लॉस ड्यू टू रेडिएशन, बराबर है, रेडिएशन समझ रहे हैं। इनका जो रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं कंटिन्यूसली, ये धीरे धीरे क्या होना चाहिए, रेडिएशन, क्योंकि हर चीजों का, हर चीज का बेटा रेडिएशन होता है, दुनिया में जो भी चीजें है उसका एक, हर चीज का एक साइकिल होती है, एक समय बाद वो खत्म हो जाता है। इंसान से लेके पेड़ पौधे से लेके दुनिया में जो भी चीजें हैं वो इसकी एक साइकिल है, कुछ समय चलते चलते वो एक समय बाद वो खत्म होती है, फिर से साइकिल रीस्टार्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लॉस होना चाहिए ड्यू टू रेडिएशन, और एक समय ऐसा आना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते बेटा न्यूक्लियस पे क्या होना चाहिए, गिर जाना चाहिए, बात समझ में। जैसे जैसे इनकी एनर्जी खत्म होती जाएगी वो क्या हो, अपने ऑर्बिट छोड़ के न्यूक्लियस के आ जाना चाहिए और न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए। अगर न्यूक्लियस पे आके गिरेगा बेटा तो एटम्स की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एटम का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगी। मतलब अगर इस मार्कर को आपने यहाँ पे रख के चले गए तो हो सकता है, अगर ऐसा होता तो रेडिएशन होता, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस गिर जाते, कल आते तो ये मार्कर आपका गायब हो चुका होता। लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई अगर इस चीज को, कोई भी दुनिया में किसी चीज को कहीं रखी हुई अगर कोई हटाए ना तो सालों दो सालों पड़ी रहती है वो, अगर वो वहां से कोई हटाए ना तो वो कभी अपने आप गायब नहीं होती। तो दैट मीन्स अगर रदरफोर्ड का ये मॉडल परफेक्ट होता तो दुनिया में एटम गायब हो जाना चाहिए, सब्सटेंस अपने आप गायब होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये बेटा इनका क्या था, ड्रॉबैक्स था इसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बेटा क्या था, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था। तो हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉबैक्स, देखिए बेटा ड्रॉबैक्स, देखिए इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली, इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली इन ए सर्कुलर पाथ,
न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये बेटा एक साइंटिस्ट का अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लिख पा रहे बेटा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। हाँ बेटा फिर से लाइन रिपीट करता हूं ड्रॉ बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यही बोला बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। आगे क्या बोला बेटा कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली इन अ सर्कुलर पाथ लिख पा रहे हैं। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी हाँ चलिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इट कैन बी एमिटेड एंड फाइनली जंप इनटू द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी लिखा बेटा एंड फाइनली जंप इनटू द न्यूक्लियस therefore it form a spiral path। देख ले बेटा ये कैसा मिल रहा है spiral path in form a spiral path लिखा बेटा but electrons remain stationary in their orbits but electrons remain stationary in the orbits। बात नहीं समझ पा रहा है बेटा हमने जैसे कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर ये घूम रहे हैं तो इनका एनर्जी का लॉस होना चाहिए रेडिएशन थ्रू एनर्जी कंटिन्यू एमिट होनी चाहिए और एनर्जी का एमिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बताया था मैक्सवेल ने और इनका जो पाथ था वो सर्कुलर ना मिलके स्पाइरल फॉर्म में मिलना चाहिए और ये धीरे धीरे न्यूक्लियस पे जंप कर जाना चाहिए न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में स्टेशनरी फॉर्म में कंटिन्यू पड़े रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकेंड ड्रॉबैक लिखे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉन्टिन्यूअस but actually it is discontinuous। अच्छा स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं जैसे रेनबो दिखता है एनर्जी का हर एक एटम में ये जो आप ऑर्बिट्स देख रहे हैं तो ये बेटा न्यूक्लियस के आगे ऐसे
ऐसे बहुत सारे एनर्जी का ऑर्बिट, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, बराबर है। बहुत सारे स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा, आगे और डिटेल सिखाएंगे। रदरफोर्ड ने कहा कि कॉन्टिन्यूअस मिलता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर अगर घूम रहे हैं वो कंटिन्यूअसली मतलब ऐसे रहेंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के ओर बेटा ऐसा बीच बीच में क्या रहता है, स्पेस छूटा रहता है। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। तो ये रदरफोर्ड ने कहा कि कंटिन्यूअसली नो स्पेस, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। हर एक इलेक्ट्रॉन्स का अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते और बीच में क्या होता है, स्पेस छूटा रहता है, इसे हमने स्पेक्ट्रम का नाम दिया। तो रदरफोर्ड ने कहा कंटिन्यूअस होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। क्लियर है, दैट्स अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक। अब आप हेडिंग डालिए बोर्स थ्योरी, BOH, हाँ, जिसे हम नील बोर कहते हैं। ये सब भी आपने 10वीं पढ़ा होगा। नील, एक्चुअली बेटा उनका नाम नील बोर होता है, BOHRS, हाँ, कहते हैं नील बोर। लिखे पहला पॉइंट इन मॉडल का, पहला लिखिए इसमें, ऐसा लिख लीजिए थोड़ा सा, इट इज अप्लीकेबल, नील बोर मॉडल, ध्यान से लिखे, इट इज अप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज अप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, इट इज अप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज या एटम, जो भी कहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम मॉलिक्यूल्स या आयन स्पीसीज। अच्छा, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स निकालने आता है, अगर हम आपसे कहें, ध्यान दीजिए, हम कहें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन बोलोगे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है न्यूट्रल फॉर्म में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, 1। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं Li+1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, Li का एटॉमिक नंबर 3, अगर प्लस ना होता, ये सब सिखाया है ना, प्लस ना होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन प्लस करने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, एक्चुअली 3 था, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, ठीक है। और अगर हम यहां Li+2 लगा देते, अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ना, पहले कितने थे, 3, एटॉमिक नंबर बराबर, जितना प्लस लगेगा उतना 1, बात समझ में आ रहा आपको, सबको क्लियर है। अगर हम यहां Hc+ लिखे होते तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला तो बेटा क्वेश्चन यही है कि जो बोर्स मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जब उसके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी बोर मॉडल इस एटम के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जब उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखाया है, दैट कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इस तरह से ये हो सकता है, कोई भी एटम, अगर आप कहेंगे Na लिखेंगे तो Na में 11 होता है, इसका मतलब Na+10 करना पड़ेगा, तभी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब तक +10 नहीं, इसके लिए एप्लीकेबल होगा बोर मॉडल।
बोर मॉडल हमेशा उसके लिए एप्लीकेबल होता है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर। चलिए आगे, अब लिखिए मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। हाँ रिपीट करते बेटा, रुक जाइए। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मेन पोस्टुल समझ में आ रहा है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। हाँ इसे रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा बोर मॉडल पहली चीज तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उसी एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है विदाउट चार्ज, इसके लिए एप्लीकेबल है। Li प्लस वन इसके लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि Li प्लस वन अगर लिखोगे तो इसके पास इस स्पीसीज पे बेटा दो इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट है। दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो बोर मॉडल वहां फेल हो जाएगा। That is the drawback of Bohr model. बराबर है? क्योंकि Bohr model सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया, तो इस पे तो नहीं होगा। लेकिन अगर Li प्लस टू लेते तो तीन में से दो गए, कितना बचा इसके पास? वन इलेक्ट्रॉन। जब वन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एप्लीकेबल होगा। इसका एटॉमिक नंबर दो है He प्लस, He का मतलब दो, पहले दो था प्लस वन, यानी अभी इसके पास क्या बचा है? एक इलेक्ट्रॉन, तो एप्लीकेबल। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, चार्ज ना होता तो 10 11 इलेक्ट्रॉन, 10 टेल लगा दें तो यानी 11-10 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोई भी स्पीशीज, कोई भी एटम, हाँ बेटा बोर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल है। बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलिए अब आप हेडिंग डाल देना मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, लिखना पहला लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअसली इन अ concentric, ठीक है, concentric सर्कुलर पाथ, concentric सर्कुलर पाथ लिखा रहता, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, एंड इट कैन नॉट बी ओके। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लिख देता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, लिख लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, एंड इट कैन नॉट बी लॉस और गेन, इट कैन नॉट बी लॉस और गेन, कैन नॉट बी लॉस और gain any type of energy, any types of energy, that means that means it is present in stationary form due to अब थोड़ा सा समझिए, अभी आपने फिजिक्स में थोड़ा शायद वो चीज न पढ़ा हो। अगर आप साइकिल चलाते हैं, सुनिए ये एक सर्कल है, बराबर है,
इस एक सर्कल के ओर अगर आप साइकिल या बाइक चलाते हैं बेटा, तो आप अगर बहुत स्पीड से टर्न मारे तो आप कई बार गिर पड़ते हैं। बात समझ में आ रहा? यानी जब हम किसी सर्कल पे मूव करते हैं तो हम अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी जो भी है उसकी स्पीड क्या करते हैं, नॉर्मल स्पीड से स्लो कर लेते हैं, बराबर है। और कई बार अगर थोड़ा सा तेज से निकलना होता है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बॉडी को क्या करते हैं, झुका लेते हैं। आप सब लोगों ने साइकिल चलाया होगा और गाड़ी चलाया होगा तो देखा होगा, जब सर्कल पे घूमते हैं बेटा तो हम अपनी बॉडी को जिधर से टर्न मारते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ताकि वो चीज गाड़ी हमारी स्लिप ना करे और हम गिरे ना। ऐसा इसलिए करते हैं, हो सकता है पढ़ा हो, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा कि कभी भी सर्कल पे जब आप टर्न करते हो तो यहाँ दो फोर्स लगता है। एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, दसवीं में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा हमें बेटा नहीं आइडिया है, बट देयर आर टू फोर्स। एक फोर्स होता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी है, हमारा न्यूक्लियस हो गया ना, छोटा सा बनाते हैं, ये बेटा हमारा न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ये स्टेशनरी इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, सेंटर में प्लस रहता है ना बेटा, बराबर है, और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस की वजह से एक फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा बेटा, ये जब ऐसा मूव करेगा, जैसे आप कहा गाड़ी घुमा रहे हैं, तो गाड़ी घुमा रहे हैं तो यहां पे भी बेटा इसको अगर रोटेट करना है स्पीड से, तो ये अपने ऑर्बिट से या तो इधर दब जाए या इधर, कई बार हम घुमाते हैं तो अंदर भी गिर जाते हैं, कई बार हम बहुत धीरे धीरे चलाओगे तो अंदर की ओर गिर जाओगे, तेजी से चलाओगे तो बाहर की ओर गिरोगे। बात नहीं समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर यहां पे ऐसा मूव कर रहा है, मान लो ये बी वेलोसिटी से घूमता है, ये क्या है, वेलोसिटी, बराबर है। अगर ये बी वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसके बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा और एक इसके अंदर की ओर फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा बेटा? तो एक इसके अंदर की ओर फोर्स लगेगा और एक इसके बाहर की ओर फोर्स लगता है, बराबर है। एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहां पे और एक फोर्स यहां पे। जब ये सब घूमेगा बेटा तो एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा और एक अंदर, इसीलिए बाहर की ओर का फोर्स कम करने के लिए हम अपनी बॉडी को थोड़ा घुमा लेते हैं, सर्कल पे टर्न मारते हैं तो बॉडी को थोड़ा क्या करते हैं, झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों अगर बराबर है तब तो आप प्रॉपर टर्न ले जाओगे। ये वाला ज्यादा हुआ ये कम तो भी अंदर गिरेंगे, ये वाला ज्यादा ये वाला कम तो बाहर की ओर गिरेंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों फोर्स को जब तक आप बैलेंस नहीं रखोगे तब तक आप उस सर्कल पे प्रॉपरली नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली क्यों घूमते हैं, क्योंकि यहां पे भी दोनों फोर्स अंदर और बाहर दोनों फोर्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। जब ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यू घूमता रहता, और इन दोनों में कहीं पे भी गड़बड़ी हुआ तो इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला जाएगा या तो अंदर, और एटम के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। बात नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पे बेटा दो फोर्स, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, क्लियर हो रहा है? तो एक फोर्स है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
बराबर है, समझ पा रहे हैं? एक होगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो फोर्स होता है चार्ज के रिस्पेक्ट से। देख लीजिए फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ जरूरत पड़ रही है इसलिए आप समझ लीजिए। अब ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो ये भी बेटा आपका एक प्रकार से फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देख लीजिए, तो एक को अंदर की ओर और एक बेटा इधर की ओर, मान लो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर की ओर, दो फोर्स। तो पहला वाला ये वाला फोर्स ये है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये है। यानी जब तक सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल रहेगा, ये क्या करेगा? घूमता रहेगा। यहां पे m क्या है लिख देता हूं बेटा, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, रेडियस है, यही तो होगा ना रेडियस, समझ सकते हैं आप, इस इज द आर, बराबर है? तो यानी आर क्या है, रेडियस है बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल, सेल या ऑर्बिट। ये इसके लिए, दूसरे वाले के लिए के बेटा कांस्टेंट है, इसको आप फिजिक्स में जानेंगे कांस्टेंट है, कोई लेना देना। क्यू वन क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्यू टू क्या था दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज है ना, दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अब यहां पे कोई भी एटम में जो चार्ज होगा दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से बेटा, ठीक है, चार्ज लगी जो भी एटम पे होगा, यहां लिख देते हैं चार्ज ऑन एटम, ये कहां से आएगा, ये आएगा उसके एटॉमिक नंबर से, बराबर है? तो जेड जो है बेटा ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, यही आपका क्या जनरेट करेगा, चार्ज जनरेट करेगा, बात समझ आ रहा है? जितना उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके रिस्पेक्ट से उसका क्या आएगा, चार्ज आएगा। और अभी आपने कहा क्या कहा बेटा कि हमारा जो बोर्स मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, तो अगर यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यानी वन इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा अगर हम कहें ई जो है आपका, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये मान लो निगेटिव चार्ज, दो चार्ज है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें क्यू वन क्यू टू, बात में समझ आ रहा है, इसके जगह पहला चार्ज प्लस का दूसरा चार्ज माइनस का, आप इसको बेटा देखिए चार्ज की जो साइन है वो भले अलग है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है ना, जितना प्लस उतना माइनस, तो चार्ज की वैल्यू तो हमेशा डबल पे हो रहेगी ना अगर एक साथ रखा जाए, साइन साइन को भी भूल जाइए, जो उसकी वैल्यू है क्या होगी अलग। तो अब अगर आप इसको यहां पे समझ पा रहे हैं आप लोग, इसको बेटा अगर हम यहां पे इस तरह से कर दें, ये जो लिखा है के रखें, चार्ज कहां से आएगा जेड यानी ई स्क्वायर, क्योंकि एक का ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है? और अगर इस पार्टिकल्स को इसको बेटा कंटिन्यू मूव करना है तो दोनों फोर्स यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी इक्वल होना चाहिए किसके, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नोट करने से। तो पहला जो बेटा इनका फोर्स मॉडल था, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरते, वो इसलिए नहीं गिरते कि यहां पे जो दो फोर्स लगते हैं एक अंदर की ओर सेंट्रीपिटल, जो एक सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स
एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। ये और ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने ऑर्बिट से न तो अंदर आते हैं न तो बाहर जाते हैं, स्टेशनरी फॉर्म में घूमते रहते हैं, जिस बात को रदरफोर्ड ने नहीं क्लियर किया था। हो गया यहां तक पहला रदरफोर्ड का मॉडल, सॉरी बोर मॉडल, बोर पहला पॉइंट। सेकंड लिखिए, देखिए दूसरा लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इसको रख करें, रख करें बेटा, दूसरा इनका लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिटल्स, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दैट ऑर्बिटल इन विच द एंगुलर मोमेंटम, इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, h upon 2 pi, मतलब एंगुलर मोमेंटम ए एम दैट इज इक्वल टू, से कहते हैं एन एच अपॉन 2 पाई पाई, जिसके बराबर होगा जिस ऑर्बिट का, मतलब ऐसे तो बहुत ऑर्बिट रहेंगे लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। एन क्या होता है, एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो क्या हो सकता है, एन इक्वल टू 1, 2, 3 जो भी हो। एच है बेटा यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, आगे से बताएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। यह है क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये होता है एम आर बी, मतलब मास वेलोसिटी एंड रेडियस, ये तो हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ए एम इक्वल टू होता है आर एम बी, रेडियस मास वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर एम बी दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम की जगह आर एम बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा देखिए थोड़ा सा, अगर आपका n इक्वल टू 1 होगा तो am कितना मिलेगा, h अपॉन 2 पाई बराबर है, और अगर n इक्वल टू 2 रहा तो am कितना मिलेगा, 2h अपॉन 2 पाई, मतलब 2 से कट जाएगा, h अपॉन पाई, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे। n की वैल्यू अगर 3 रहा, यानी जो थर्ड ऑर्बिट है उसका जो एम यानी एंगुलर मोमेंटम आएगा कितना आना चाहिए, 3h अपॉन 2 पाई आना चाहिए। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ बोस मॉडल। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप इस तरह से लेते हैं तो उनके एंगुलर मोमेंटम बेटा कुछ इस तरह से होने चाहिए। तो बस बेटा आज ये दो पॉइंट, कल इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। देखो बेटा रिपीट, देखिए एंगुलर मोमेंटम
कोई भी अगर ऑर्बिट है, मतलब आपको पढ़ा होगा ना 10वीं में कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट में घूमते हैं, 10वीं में पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट तो इसके अंदर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन लेकिन जिस ऑर्बिट का ऐसा नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं। ये जो बेटा एंगुलर मोमेंटम हमने लिखा है, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में रहेगी उसका अपना हर एक सर्कल का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है। आपने पढ़ा होगा 10th में, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी n इक्वल टू 1 जिसे KLMN कहते थे, KLM इस तरह से कहते थे। तो ऐसा नहीं है कि बेटा इसके बीच में स्पेस यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। हम जो सीखते हैं, हमें जो पता है या जो ऑब्जर्वेशन में आया वो वही आया, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में रहते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो। मतलब जैसे एंगुलर मोमेंटम NH upon 2 pi, पहले वाले में एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट एक प्रकार से एनर्जी है। जैसे घर बनता है, घर में अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे फ्लैट होते हैं, बराबर है। अब नीचे वाले फ्लैट का अपना अलग प्राइस और अलग प्राइस, अलग प्राइस, बात समझ में आ रहा है, रहता है। तो अब जिसकी कैपेसिटी, जिसका बजट जिस तरह से है, वो उसी वाले में रहता है। मान लो ये बेटा 5 रुपए वाला है, ये 7 वाला है, ये 10 वाला है, ये 12 वाला है, ये 15 वाला है, तो जिसका बजट बेटा 5 वाला रहेगा, बराबर है ना। तो 5 वाले 5 में रहेंगे, जिनका 7 का होगा 7 में रहेंगे। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पहले वाले में अगर इसका इसका एंगुलर मोमेंटम h की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, आगे सिखाएंगे, यहां रख के इसको सॉल्व किया 2π मतलब 3.14, जो भी एनर्जी आएगी, तो उसमें पहले वाले सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन के ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इनके बराबर होगी वो इसमें रहेंगे। और आप जानते हैं कि पहले वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्यों 2 रहते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी इतनी है कि जो बस इसमें रह पाए, उसके बाद 8 रहते हैं, तो 8 जो अदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी इनके बराबर है, इसलिए वो इस वाले ऑर्बिट में रह लेते हैं। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी एनर्जी है, लेकिन कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इनके बीच की एनर्जी के बराबर हो, जो उसमें रह सके। तो हम सिर्फ वही जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को लगा के, बात समझ में आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम ये जानते हैं कि जो हम 2, 8, 18, 13 जो भी लिखते हैं बेटा, उसमें जिसी किसी भी एटम के अंदर जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो अपने आप नहीं प्रेजेंट होते, बल्कि वो उनकी एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट से एक एनर्जी आती है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके बराबर होती है वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट्स में रहता है। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है, NH upon 2 pi, पहले सेल का इतनी एनर्जी, दूसरे सेल का 2 रखने के, तीसरे का 4, इस तरह से निकल गया। बेटा समझ में आ गया सबको, बच्चा लोग क्लियर है। और सुन लीजिए, इस संडे को आपका टेस्ट का भी अनाउंसमेंट है, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहिए।